क्या किसी ने आपको खाने में कभी कोई ऐसी चीज दी है जिसको खाने से आपकी लाइफ खराब होनी शुरू हो गई हो, या आपका बैड लक शुरू हो गया हो, या आप पे किसी भी तरीके की ऊपरी बाधा आ गई हो? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुलकित मोहन सिंगला और आज मैं आपको टोटके और क्रियाओं के और ऊपरी हवाओं के बारे में बताऊंगा जो खाने के माध्यम से दी जाती है। दोस्तों, किसी भी प्रकार की अगर आप क्रिया ले लो, टोटका ले लो, ऊपरी हवा ले लो, सबसे ज़्यादा कारगर और सबसे ज़्यादा यूं कह लीजिए बरकरार रहने वाला टोटका या क्रिया या ऊपरी खाने के द्वारा दिया जाता है। खाना एक ऐसा माध्यम है जो जकड़ लेता है, पकड़ ऐसी पक्की कर लेता है कि उसको हटाना नामुमकिन हो जाता है। जब कोई अगर बेसिक क्रिया होती है कि भाई कोई भी चीज़ आपके ऊपर वैसे फेंक दी, या किसी घर पे कुछ डाल लिया है, या आपके नाम से कोई चीज़ जलाई या कुछ हो किया, तो उसका असर एक लिमिटेड पीरियड के लिए होता है। और कभी कभी जब इंसान की मनोबल शक्ति, उसकी आत्मिक शक्ति ज़्यादा होती है, तो असर भी असरहीन हो जाता है। या फिर अगर कोई पित्तर वगैरह हमारे जो है हमारी रक्षा कर रहे हैं, तो वो भी उस चीज़ को दूर कर देते हैं। जब बात आती है किसी ऊपरी की, और अगर ऊपरी वैसे भार के तौर पे छोड़ा जाए कि वो आपको साए के रूप में आपका पीछा कर रहा है या आपको नुकसान पहुंचा रहा है, तो वो भी एक हद तक नुकसान कर सकता है। पर जब अगर यही ऊपरी या यही क्रिया आपके खाने में मिला के आपको दे दी जाए, तब चीज़ें बिल्कुल बदल जाती हैं। इनका असर यूँ मान लीजिए दुगना हो जाता है, और इस हद तक हो जाता है कि आप कई दफ़ा इतना लाचार महसूस करते हो कि आप कुछ नहीं कर सकते, और जो बताने वाले हैं, मदद करने वाले हैं, वो भी हाथ खड़े कर लेते हैं, क्योंकि ये क्रिया ही इतनी खतरनाक है, इतनी ज़्यादा असरदार है कि इससे बचना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब खाने में किस तरीके से दिया जाता है ये मैं आपको समझाता हूँ। जब भी किसी ऊपरी को किसी के शरीर पर चढ़ाना होता है, किसी प्रेत को या आत्मा को किसी के शरीर पर चढ़ाना होता है, और इस हद से चढ़ाना होता है, इस हद तक चढ़ाना होता है कि वो परमानेंटली रहे और हटाए ना हटे, तब उस ऊपरी की, उस आत्मा की शरीर की जो राख होती है, उसको खाने में मिलाया जाता है। अक्सर लोग क्या करते हैं, तांत्रिक क्या करते हैं कि शमशान में जब लोग अपना दिन में मुर्दा वगैरह जला के चले जाते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है पूरा दिन वेट किया जाता है कि जब वो शमशान में जो मुर्दे की राख है वो ठंडी हो जाए। बहुत से ऐसे तांत्रिक हैं जो शमशान के अधिकारियों से ही साठगांठ कर लेते हैं, या वहाँ पे जो भी रात के टाइम चौकीदार वगैरह है उसको कुछ खिला पिला देते हैं और उससे साठगांठ कर लेते हैं, और वहाँ जाके जो भी ताज़ा मुर्दा जला हो, जो भी दिन में जलाओ या सुबह जलाओ, जिसकी राख अभी ठंडी हो रही हो, उसकी राख ले आते हैं, और राख लाके उसी राख को खाने में मिला के मंत्रों द्वारा, क्योंकि खाली राख मिलाने से कुछ नहीं होता, मंत्र भी इसमें लगते हैं और कई चीज़ें लगती हैं, उनके द्वारा जिससे भी बदला लेना है उसको खिला देते हैं। और ये इतना गंदा और ख़तरनाक खेल है कि अगर वो ऐसा कर देते हैं तो जो वो आत्मा है, जो जिसका अभी संस्कार हुआ है, वो अगले धाम को जाने की जगह या अगले नेक्स्ट डायमेंशन में जाने की जगह उस विवश होके उस इंसान के शरीर पे आ जाती है, और उसे खुद पता नहीं होता वो कैसे आ गई। कई दफा वो इस राख को लाके खुद इस राख से उस आत्मा का आह्वान करते हैं, उस प्रेत का आह्वान करते हैं, और फिर उसको डरा के, धमका के, उसको बांध के, उसको मंत्रों द्वारा बांध के उसको फिर खाने में मिला के भेजते हैं, आदेश दे के भेजते हैं कि तू जा, तुझे उस इंसान के शरीर में रहना है और उसके शरीर को ख़राब करना है, उसके शरीर को नुकसान पहुंचाना है और उसको मौत के घाट उतारना है, और फिर उसकी आत्मा को तू साथ लेके हमारे पास आ जाइयो, तब हम तुझे आज़ाद करेंगे। इस तरीके की शर्तें भी होती हैं, इस तरीके के कॉन्ट्रैक्ट्स भी होते हैं तांत्रिक और प्रेतों के बीच में। बहुत ही गंदा और ख़तरनाक खेल है, वहशी खेल है, और इसमें बचने की उम्मीद बहुत कम होती है। अगर किसी को खाने में मिला के कुछ दे दिया जाए तो बचना कई मायनों में नामुमकिन हो जाता है। पर ऐसा नहीं है कि इससे बचा नहीं जा सकता। जब इस तरीके के ऊपरी शरीर पर चढ़ते हैं, इस तरीके क्रिया चढ़ती है, तो जो शरीर है बहुत क्षतिग्रस्त हो जाता है, इतना डीप इम्पैक्ट होता है उसका,
और जो आत्मा राख के माध्यम से, क्योंकि उसके खुद के शरीर की राख शरीर में प्रवेश कर चुकी है, तो वो अपना हक जमाता है। वो कहता है तो मेरा भी शरीर है। वो शरीर पे ऐसे हक जमाता है कि जो ओरिजिनल आत्मा है उसको परमानेंटली साइडलाइन करने की कोशिश करता है, और मैक्सिमम टाइम्स पे वो जो ऊपरी है वो ही शरीर पे हावी रहता है। ये जरूरी नहीं कि उस ऊपरी को हर वक्त झूमना है और शरीर को इस तरीके से एक्ट करना है कि जैसे लगे कोई पागल हो। वो नॉर्मल एक्ट करेगा, आपको लगेगा कि आप खुद के परिजन से बात कर रहे हो, पर जो व्यवहार है उस परिजन का, जो आदतें हैं, जो उन सब में बहुत चेंज आ जाएगा। वो वैसी हो जाएंगी जैसे उस ऊपरी की थी, क्योंकि वो ऊपरी सही मायने में राज कर रहा होगा शरीर पे, ना कि वो इंसान। और इसका सबसे कॉमन तरीका होता है बेसिकली उनके पास, कि वो फिर धीरे धीरे जब ये आदतों को अपना इम्पैक्ट जमा के अपने आप को इम्पोज करके बॉडी पे जब पूरा हक जमा लेते हैं, उसके बाद उस शरीर को ख़राब करना शुरू करते हैं, बीमार करना शुरू करते हैं, वीक करना शुरू करते हैं, या फिर जिस माध्यम से वो मरे हों, क्योंकि जो संस्कार के लिए उनकी बॉडी जब भी आई थी शमशान में, उससे पहले ही उनकी मौत हो गई थी, ऑब्वियस सी बात है। और वो मौत बीमारी से भी हो सकती है, एक्सीडेंट से भी हो सकती है, तो जिस भी तरीके से मौत हुई होगी वही तरीका अपना के वो मौत के घाट उतारते हैं और फिर साथ ले जाते हैं उसकी आत्मा को, और उस तांत्रिक को सौंप देते हैं, और फिर कहते हैं हमें आज़ाद कर दे। या फिर अगर वो आज़ाद नहीं हो पाते तो उस तांत्रिक के वश में आके तो ये काम कर ही देते हैं। कई दफ़ा जो भी ऐसे प्रेत होते हैं वो मजबूर होते हैं, जब कोई भी तांत्रिक, कोई दूसरा अच्छा तांत्रिक है और उसको दिखाया गया और उसने बताया कि खाने में दिया है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम खाने में राख के माध्यम से ही दिया जाता है। और ये जब भी फिर उस प्रेत से या ऊपरी से अगर बात करते हैं तो वो यही कहता है, मैं मजबूर हूँ, विवश हूँ, मैं क्या करूँ, मेरी राख इन्होंने लेके खाने में मिला दी और मुझे बांध दिया मंत्रों द्वारा, और मुझसे वचन भरवा रखा है कि मैं इसको मार के ही लेके जाऊँगा। तब आप कितनी क्रिया कर लें, वो उस शरीर से बाहर उसको निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। पर जब भी हमारे पास ऐसे माध्यम होते हैं, अगर कोई अच्छा तांत्रिक है उसके पास ऐसे माध्यम होते हैं कि वो अगर उसको शरीर से बाहर नहीं निकाल सकता तो वो उसका असर खत्म कर देता है। सपोज कोई 100% असर कर रहा है प्रेत, तो उसका असर 80% कम कर दिया या 90% कम कर दिया, तो 10% उसका बस यही असर रहेगा कि वो दर्द पीड़ पैदा करता रहेगा, सर दर्द, पेट दर्द थोड़ा बहुत, या कभी कभी चक्कर आ गए, पर ऐसा इम्पैक्ट नहीं कर पाएगा कि वो मार के ले जाए। कई दफ़ा कंप्लीट असर खत्म कर दिया जाता है कि वो शरीर में तो रहेगा पर कोई प्रतिक्रिया नहीं कर पाएगा। तो ऐसी भी कई क्रियाएँ होती हैं जिसके माध्यम से उसका असर कम किया जाता है। साथ में खाने में मिलाने के लिए, के देने के लिए बहुत अलग चीज़ें लोग अपनाते हैं। कई दफ़ा लोग जैसे अगर किसी को वश में करना है, किसी को काबू करना है, तो खाने में बहुत तरीके की चीज़ें मिलाते हैं, जैसे उनका पसीना हो गया, खून हो गया, उनका जो है सीमन हो गया आदमियों का, या औरत का मेंस्ट्रुअल ब्लड हो गया। तो ये सब क्रियाएं बहुत गंदी क्रियाएं, खतरनाक क्रियाएं हैं, इनके द्वारा लोग एक दूसरे को वश में करते हैं, पागल तक कर देते हैं लोगों को। तो ये क्रियाएं आप भले ही जो है छोटे फायदे के लिए या लाभ के लिए कर लो, किसी का जीवन आप बर्बाद कर दो, पर ये मत भूलना कि आपको जो भगवान देख रहा है ये करते हुए, आप भी इसका फल भोगोगे कभी ना कभी। तो ये क्रियाएं कभी नहीं करनी चाहिए, चाहे आपको के साथ कितना ही बुरा हुआ हो, आप उसका बदला अगर इस तरीके की क्रिया द्वारा ले रहे हो तो आप में और उनमें क्या फ़र्क रहा, फिर तो आप उनसे भी ज़्यादा बुरे हुए। क्योंकि एक तो इंसान होता है कि वो लड़ लेता है सामने से वो झगड़ा कर लेता है, ये जो आपने ये चीज़ छोड़ी है इतनी गुप्त होती है, जो असर इतना गंदा करती है कि उसके खेल बहुत बुरे होते हैं। और जब उस माध्यम से जब आत्मा तड़पती है, क्योंकि किसी और आत्मा का अटैक है और कोई और आत्मा शरीर पे कब्जा करे हुए है, तो वो जो आत्मा की पीड़ा होती है, और ये कभी ना कभी पता लग ही जाता है कि किसने खाने में दिया है, आप कितनी कोशिश कर लो बचने की, तो जो आत्मा दिल से जो गाली निकालती है, जो बद्दुआ देती है, वो आपको ज़रूर लगेगी। उस तांत्रिक को तो लगेगी लगेगी जिसने क्रिया की है, आपको भी लगेगी क्योंकि आपकी वजह से, आपके द्वारा वो क्रिया कराई गई है। अब सावधानियां क्या बरतनी चाहिए। सबसे पहली बात है कि किसी का भी दिया मत खाओ,
चाहे आपका कोई कितना ही करीबी है, चाहे आपका कोई कितना ही बड़ा दोस्त है, कितना ही अच्छा, किसी के भी मुंह पे नहीं लिखा कि कौन आपसे अच्छा है कौन नहीं है, कौन कब आपसे बदला निकाल रहा है, कब अपनी पर्सनल ग्रज निकाल रहा है, आप जान ही नहीं सकते इस बात को। तो अगर आपको ज़रा भी शक है किसी बंदे पे, कभी भी किसी से झगड़ा रहा है, तो उसके यहाँ सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट बात है, खाना पीना बंद कर दो। अपने साथ अपनी पानी की बोतल रखो, अपने साथ अपना जो भी ईटेबल्स रखने हैं, और मार्केट इतनी पड़ी है खाने के लिए, उनका दिया मत खाओ। और ख़ासकर वो लोग जो खुद नहीं खाते और आपको खिलाते हो, कहते हैं मैं खाए पिए बैठा हूँ, मैंने अभी चाय पी थी, मैंने अभी खाया था, तो वो इजीली वो आपको खुद ही दिखा रहे हैं चीज़ के, वो उसमें से एक टुकड़ा भी नहीं ले रहे और आपको दे रहे हैं। तो आप खुद ही समझो कि कुछ नहीं भरोसा कि वो आप पे किस तरीके की क्रिया कर रहे हो, किस तरीके का ऊपरी आप पे छोड़ रहे हो, या वशीकरण की क्रिया कर रहे हो, या फिर ऐसी क्रिया कर रहे हो कि आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाए, या ऐसी क्रिया कर रहे हो कि आपके घर में झगड़ा हो जाए, या आपके परिजन से आपका जो मोह है वो अलग हो जाए। तो ऐसी बहुत सी क्रियाएं खाने द्वारा होती हैं। अब किन किन खानों में ये क्रियाएं विशेष रूप से ज़्यादा काम करती हैं, कैसे ऐसे खाद्य पदार्थ हैं, सबसे विशेष रूप में इसमें जो काम करने वाली होती हैं वो है मिठाइयाँ, और उनमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सफ़ेद मिठाई। सफ़ेद मिठाई का एक अलग ही अलौकिक कारण होता है, एक अलग ही इसमें आकर्षण होता है प्रेतात्माओं का, और जब भी वो सफ़ेद मिठाई देखती हैं तो उसमें आके बैठ जाती हैं। और ख़ासकर जब ऐसी मिठाई में राख मिलाई हो या किसी भी तरीके का प्रेत को बिठा रखा हो, तो और जब वो मिठाई आप ग्रहण करोगे तो भगवान ही आपका मालिक है। तो सफ़ेद मिठाइयाँ हो गई, रसगुल्ला हो गया, और बर्फ़ी हो गई, इन चीज़ों को अवॉइड करो। अगर कोई आपको दे रहा है और वो खुद नहीं खा रहा है, तो आप खुद ही इस चीज़ को सोचिए। और किसी और कोई भी तरीके की मिठाई हो सकती है, ज़रूरी नहीं सफ़ेद हो। अब ये हो गया, चावल हो गए, सफ़ेद चावल हो गए, इनसे भी बहुत गंदी क्रियाएं होती हैं। सेब हो गया, इनसे बहुत गंदी क्रियाएं होती हैं। केले से बहुत गंदी क्रियाएं होती हैं। ये विशेष कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिससे क्रियाएं बहुत असर करती हैं। अंडा हो गया, नॉनवेज हो गया, शराब हो गई, शराब में भी आत्मा को बिठाया जाता है। अगर आपने उस शराब को पिया या किसी भी तरीके से ग्रहण किया, तो वो आपके शरीर से चिपकने में हर तरीके से तैयार रहती है। तो इन ऐसी क्रियाओं में सबसे बड़ा फायदा उस करने वाले का ये होता है कि जो वो चाहता है वो कर पाता है। असर बहुत तगड़ा होता है और इंस्टेंट होता है, और ये कोई मंशा ही नहीं रहती कि उस चीज़ से आप बच पाओगे। क्योंकि जो आपके पितर हैं वो हो सकता है कुछ हद तक आपकी माइंड कंडीशन करें कि आप वो चीज़ ग्रहण ना करो, आपको समझाने की कोशिश करें, आपके मन में वो विचार डालें कि मुझे नहीं खाना या नहीं पीना, पर हर बारी तो ऐसा नहीं कर सकते ना। सपोज आप किसी के घर गए हो और आपके पितर आपका साथ नहीं गया, आपके घर पे ही हैं, और आप कहीं किसी के यहाँ गए हो, किसी ने आपको खाने में मिला के दे दिया, आप खा के आ गए, तो आप कैसे उस चीज़ से बचोगे। तो इसमें जो छोटे मोटे तांत्रिक होते हैं उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है ऐसी क्रियाओं से छुटकारा दिलाना, क्योंकि आप बाहर से अगर कोई हवा अटैक कर रही है तो उसके अगेंस्ट तो आप गंडा पहन सकते हो या कोई भी प्रोटेक्शन कर सकते हो। अगर घर में कोई चीज़ छोड़ी है तांत्रिक ने टोटके द्वारा या ऊपरी छोड़ा है, तो घर में आप प्रोटेक्शन कर सकते हो बहुत माध्यमों से। पर अगर आपको खाने में ही आपके शरीर में ही डाल दी गई है वो चीज़, तब ये क्रियाएँ कैसे वर्क करेंगी, ये आप सोचिए ना। बाकी जो है बहुत से ऐसे, जब भी ऐसी क्रियाओं द्वारा ऊपरी चढ़ता है तो वो एक ही एक्सक्यूज देता है कि मैं क्या करूं, मैं तो खाने में मिला के दिया हुआ हूँ, मेरी तो राख इसके शरीर में पड़ी हुई है, मैं तो कुछ नहीं कर सकता। बहुत से लोग हैं जो खाने में दिए हुए, जब भी कोई ऐसे ऊपरी होते हैं उनको निकालने के लिए कोई ऐसी चीज़ें देते हैं, जड़ी बूटियाँ देते हैं, उल्टी कराते हैं, और कई ऐसी आपको यूट्यूब पर वीडियोज़ भी मिलेंगे। ये कुछ हद तक असर करता है, कुछ हद तक उस चीज़ को निकाल भी देता है, बट कंप्लीट असर बहुत रेयर केसेस में नहीं होता है। कंप्लीट असर के भाई आप पूरी तरह फ्री हो जाओ उस आत्मा के चंगुल से, बहुत कम केसेस में होता है। एक बारी अगर उस शरीर में से आप उस दूसरी आत्मा को निकाल दिया जाए कैसे भी क्रिया द्वारा, तब तुरंत गंडा दिया जाता है, ताकि अब वो जब दोबारा शरीर में आने की कोशिश करेगी तो ना आ पाए। पर जितने भी मैक्सिमम केसेस देखे गए हैं उसमें लोग दावा तो कर देते हैं कि शरीर से बाहर निकल गई है या हुआ है, पर वो शरीर में ही बैठी रहती है, चुप बैठी रहती है, बिना प्रतिक्रिया करें। ऐसे में यही है, उपचार आप करते रहो, इलाज आप करते रहो, और इन इलाजों से जब वो बार 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 इलाज होते हैं तो उनका असर खत्म हो जाता है, असर कम हो जाता है, ना के बराबर हो जाता है। तो वो चाके भी मार नहीं सकती, बस एक बेशरम जो है आत्मा की तरह आपके शरीर में पड़ी है,
खा पी रही हैं जो आप खा पी रहे हो, बाकी जो नुकसान पहुंचाना है उसका असर काफी हद तक कम हो जाता है। सावधानी आप यही रख सकते हो, मैंने आपको बता ही दिए हैं कि कुछ भी ऐसी वैसी चीज़ें मत खाइए, सामने वाले को उसमें से एक टुकड़ा खिलाइए ताकि ये क्लियर हो जाए कि उसमें कुछ नहीं मिला हुआ। अगर वो नहीं खाता, कोई एक्सक्यूज़ देता है, तो अवॉइड ही करें तो ज़्यादा बेटर है। और कई दफ़ा ये भी होता है कि लोग इस शर्म में खा लेते हैं कि भाई सामने वाले को बुरा लगेगा एंड ऑल, तो ये इन शर्म वगैरह आप देख लो या अपनी प्रोटेक्शन देख लो। पर ये ज़रूरी नहीं कि हर कोई आपके साथ ऐसा करे, बहुत ही जो गंदे लोग होते हैं जिनकी आत्मा इतनी विकृत होती है, गंदी होती है, मलिन होती है, जो दूसरे को नुकसान पहुँचा के खुश होते हैं, ऐसे लोग ही इन टोटकों के चक्कर में पड़ते हैं, ऐसे गंदे टोटकों के चक्कर में पड़ते हैं। और मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था, एक मेड थी घर में जो पेशाब से आटा गूंथती थी और उन लोगों को खिलाती थी अपने वश में करने के लिए। तो ये बहुत गंदी क्रियाएं होती हैं और बहुत ही गंदे स्वभाव के लोग, बहुत ही जिनकी आत्मा इतनी गंदी है कि जिनको नरक में भी जगह नहीं मिलेगी, ऐसी आत्माएं जो राक्षस रूपी हैं, दानव रूपी आत्माएं हैं, जो इंसान के शरीर में तो आ गई पर उनकी प्रवृत्ति किसी भी तरीके के डीमन से कम नहीं है, चंडाल से कम नहीं है। तो ऐसी प्रवृत्ति के लोग ही ऐसे गंदे तांत्रिकों के पास जाते हैं जो ऐसी गंदी क्रियाएं करते हैं। मैंने बहुत केसेस देखे हैं कि जब लोग इस तरीके की चीज़ें उन्होंने लोगों के साथ की हैं। एक केस था जिसमें उन्हीं का घर का रिलेटिव था जो बेसिकली उनका को कोई ज़मीन बेचनी थी उसने, और उस ज़मीन को बेचने के वश में करने के लिए वो उस परिवार के लिए, उनका बेसिकली उनका फूफा ही था वो, ये केस है दिल्ली का एक फैमिली का। तो वो बेसिकली उस जो है जो फैमिली थी उसमें मियाँ बीबी थे और दो उनके बच्चे थे, और उनका जो वो था मतलब क्या कहते हैं जो घर के जो मेन हेड थे, उनके जो बहन थी जिसको ब्याही थी, उसका जो पति था वो कुछ काम नहीं करता था, लोगों से बेसिकली पैसे उधार ले आता था और वो पैसे चुकाने के लिए एड्रेस इनका दे देता था। तो बहुत वो परेशान थे और वो हर तरीके से कोशिश की उसको काम धंधा कराने की, पर वो करना नहीं चाहता था, उसका काम में मन ही नहीं था। तब उसने एक प्रपोजल दी कि आप मेरा मकान खरीद लो उन लोगों को अपने जो है क्या कहते हैं। तो फिर उस आदमी ने सोचा कि मेरी बहन का घर बस जाएगा, मेरी बहन की लाइफ अच्छी रहेगी, तो मैं अपने इससे मकान ले लेता हूँ बहन के पति से। और पर एक मन में डाउट रहा कि लूँ ना लूँ, क्योंकि वो मकान जो था उसमें कोई डिस्प्यूट था। तो उस आदमी ने क्या किया कि जो फूफा था उन बच्चों का, उसने क्या किया, बहुत वो गंदा था, चलाक था, वो एक तांत्रिक के पास गया और वहाँ से कोई ना कोई क्रिया और वशीकरण की पड़वा लाया खाने में। और वो रेगुलर बेसिस पे हर ट्यूसडे और हर सैटरडे उनको बूंदी का प्रसाद ला के देता था हनुमान जी का नाम बोल के। अब आपको कोई भगवान का नाम बोल के कोई चीज़ दे दे तो इसमें भगवान भी क्या कर सकता है, आप भी क्या कर सकते हो, आप भी आँख मींद के ले ही लोगे। और वो खुद नहीं खाता था कभी भी। और एक साथ में उसने एक वशीकरण करने के लिए एक सिंदूर पड़वाया था और वो आके माथे पे वो सिंदूर लगा के जाता था और रेगुलर बेसिस पे खाने में लेके देता था। कभी कभी ऐसी खाने की चीज़ें लेके आता था जो लगता ही नहीं था कि किसी दुकान से वो लेके आया है, ऐसा लगता है पता नहीं कहाँ से लेके आया है, डब्बा भी अलग, हर चीज़ अलग। पर वो लोग इतने ब्लाइंडली होते कि भाई कौन ये सोचेगा कि हमारे फूफा जी ये कराएंगे, या कौन ये सोचेगा कि मेरी बहन का पति ये कराएगा। तो ये चीज़ें आज मतलब बहुत एक्सट्रीम केसेस में लोग सोचते हैं, और अगर कोई रिलेशन बिगड़े हो तो सोचते हैं। उनके केस में कोई रिलेशन भी नहीं बिगड़े थे, रिलेशन ही बहुत अच्छे थे, इतना प्यार था कि पूछने में। पर वो रेगुलर बेसिस पे करता रहा तो उसने वश में इस हद तक ब्लाइंडली ब्रेन वॉश कर दिया था कि उन्होंने वो डिस्प्यूटेड जगह उस आदमी ने खरीद ली। तो पता लगा कि उस जगह में बहुत डिस्प्यूट थे, बहुत उसमें कमियाँ थी, जो एरिया बताया गया वो भी कम था, बहुत तरीके से बेवकूफ़ बनाया गया। बाद में जब ये चीज़ खुल गई तो उसको जो है कहा कि भाई तूने हमारे साथ गलत किया, उस पार्टी ने। तो साथ में फिर उस पार्टी ने क्या किया, उस जगह को बेचने की कोशिश की। अब जिसने ले लिया डिस्प्यूटेड लैंड, छुटकारा तो पाएगा ही उससे। इत्तेफाक से जगह बिकने भी लगी, कोई ना कोई चांसेस बने। उस बात की उसको जलन हो गई, जो बेसिकली जो वो जीजा लगा उसको जलन हो गई, और इस हद तक जलन हो गई कि उसने
उन मतलब अपने बहन के भाई को, उसकी बीवी को, उसके बच्चों को, चारों को मारने के लिए मूठ छुड़वाई। मूठ बेसिकली होती है जिसके अंदर आत्माओं को बांध के भेजा जाता है और ये मटके में दी जाती है, उसमें मिठाई वगैरह कई क्रियाएं होती है और आत्मा बिठा के दी जाती है साथ में, ताकि वो उन आत्माओं का यही काम होता है परिवार को मार दो। और ये आदेश दिया गया उस तांत्रिक द्वारा, उसमें चार आत्माएं बिठाई गई, उसमें एक औरत थी और तीन आदमी थे और मटके में पंचमेल मिठाई थी। और जब वो भेजा गया तो यही कहा गया कि भाई जाके इन चारों का सफाया कर दो। और ये उसने इस जलन के मारे किया कि भाई ये चीज ना बिके। जब वो भेजा उसने मूठ उनके घर पे छुड़वाई, तो कुछ ही दिनों में, कुछ ही महीनों में जो उस आदमी की वाइफ थी वो मर गई और बच्चे बीमार रहने लगे, इतने ज़्यादा बीमार रहने लगे जिसका कोई हद नहीं थी। वो आदमी का काम धंधा बिल्कुल बंद हो गया और अब ये जो जीजा था वो खुशी खुश कि मैंने जगह भी बेच ली, डिस्प्यूटेड पैसे भी कमा लिए और अब मैं इनको जान से भी मार दूंगा। फिर जो है क्या कहते हैं, उन्होंने कहीं दिखाया, वो बालाजी गए, मेहंदीपुर बालाजी। रेगुलर बेसिस पे उन्होंने जो है 12-13 पेशियां लगाई, तब जाके बड़ी मुश्किल से उन आत्माओं से छुटकारा मिला। उस मूठ को वापस भेजा जहाँ से वो आई थी, और वापस भेजते ही कुछ टाइम वो आदमी भी बीमार रहा, वो जीजा भी बीमार रहा, उन बच्चों का फूफा भी बीमार रहा। और बाद में हालांकि उसने अपने आप को ठीक करा लिया, पर ये देख लीजिए कि एक तरीके से कुछ हद तक तो सक्सेसफुल हो ही गया। तो जब वो फैमिली हमारे पास आई थी तो हमने उन्हें यही राय दी थी कि इस आदमी से आप दूर रहो, इसका दिया कुछ मत लो, कुछ मत खाओ, और हर तरीके से इससे किसी भी तरीके का कांटेक्ट है ना वो अवॉइड करो, ख़त्म कर दो ये मान लीजिए। तो उन्हें शुरू में दिक्कत हुई इस बात को एडजस्ट करने में, क्योंकि मुंह पे कैसे बोले, हालांकि उन्होंने कहा भी कि भाई तूने कुछ हम पे कराया है, पर उससे पहले ही उसी ने कह दिया कि नहीं तुमने हम पे कराया है। तो वो एक टैक्टिक तो होती है, जो कराने वाले होते हैं वो खुद ही पहले दूसरों पे मंड देते हैं ताकि उन पे बात ना आए। उन्होंने कैसे भी करके उस पंडित का भी पता लगाया और उस पंडित ने कहा कि मैं क्या करूं, मैं तो मजबूर था, इसने कहा और मैंने कर दिया। हालांकि वो लोग कुछ कर नहीं पाए ज़्यादा, बाकी ये अच्छा रहा कि उन्होंने हमारी ये बात मान ली और उस आदमी से और उसकी फैमिली से हर तरीके का कॉन्टैक्ट ख़त्म कर दिया। और वो आदमी इतना बेशर्म था, जो उन बच्चों का फूफा था, उस आदमी का जो जीजा था, कि वो बेशर्मों की तरह रोज़ उनके घर पर आके घंटी बजा देता था और कभी मिठाई लेके आ रहा है, कभी कुछ खाने की चीज़ें ला रहा है, कभी पकौड़े ला रहा है, कभी भगवान का प्रसाद लेके आ रहा है। और वो फिर जो है अब वो क्या करें, वो लेते थे फिर लेके किसी को दे देते थे। तब मैंने उन्हें ये समझाया, अगर आप किसी को और को भी दे रहे हो तो आप उसको भी खतरे में डाल रहे हो ऐसा करके, तो इससे बेटर है आप ऐसे इंसान के लिए गेट ही मत खोलो। और जब आपको क्लियर पता लग गया है कि उसने किया है, तो फिर आप किस लिए उसको एंटरटेन कर रहे हो, क्योंकि वो जब इस हद तक जा सकता है कि मूड छुड़वा दी तो वो घर पे भी आके कुछ डाल सकता है। तो उसका आना जाना जब उन्होंने बिल्कुल कंप्लीट बंद कर दिया, जो भी वो दे रहा है वो लेना बंद कर दिया, यहाँ तक कि गेट तक खोलना बंद कर दिया, तो काफ़ी हद तक उनकी लाइफ में चेंज आया और अब बहुत हद तक उनकी लाइफ स्टेबल है। पर अभी भी वो आदमी कुछ ना कुछ क्रिया दूर से छोड़ता ही रहता है, लगा हुआ है बेचारा, क्योंकि उस प्रॉपर्टी की कीमत बढ़ गई जो उसने डिस्प्यूटेड बेची थी, तो अब उसको ये बर्दाश्त नहीं कि वो प्रॉपर्टी की कीमत क्यों बढ़ गई। तो आप खुद देखिए, ऐसे बहुत तरीके के गंदे लोग हैं जो आपको बेवकूफ़ बना के कोई ना कोई चीज़ सेल आउट करने के लिए या किसी भी तरीके से आपको वश में करने के लिए, आपसे काम निकालने के लिए, आपको पागल करने के लिए, आपको मारने के लिए कुछ भी आपको दे सकते हैं खाने में। तो कोई अगर कोई ज़रूरत से ज़्यादा मीठा है तो उसमें भी एक बड़ी शक की निगाह से देखिए, अंधों की तरह किसी का दिया मत खा लीजिए, उसी में से उसको टुकड़ा पहले खिलाइए और जब खाइए, अगर आपको बिल्कुल ही उस चीज़ को ग्रहण करना है तो। मुझे उम्मीद है आपको आज की बात पसंद आई होगी, तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो नई पैरानॉर्मल वीडियोज़ के बारे में अपडेट्स कैसे मिलेंगी। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।